गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम अंजू मारा हिंदी टीचर इन कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल ईसापुर फुलवारी शरीफ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर वन ऑफ क्लास सेवेन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज थोड़ी धरती पाऊ चैप्टर वन एक कविता है कविता का शीर्षक है थोड़ी धरती पाऊँ इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पेड़ पौधों के महत्व का वर्णन करते हुए बताया है कि वे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें अपना परिवार समझना चाहिए दे दे दे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं इस कविता में कवि ने कहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस धरती पर थोड़ी सी जगह मिल जाए जहां मैं अपनी पसंद के अनुसार एक छोटा सा बाग बगीचा लगाऊं खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले इस बगीचे में फल लगे हों फूल खिले हों चिड़ियों का चहचहाना यानी बोलना हो और हवा में झूमते फूलों की खुशबू यानी महक चारों तरफ फैली हो ताजी हवा जलाशय यानी छोटे तालाब में अपने शरीर को भिगोते हुए आगे बढ़ते हो लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई परंतु कवि को इस बात का दुख हो रहा है कि उसे इस धरती पर एक इंच भी जगह नहीं मिल पाई जहां वह एक पेड़ भी लगा सकें और उसे अपना कह सकें हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो अब वह बच्चों से यह कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास थोड़ी जगह हो अपनी धरती हो फूल और फलों से लदे बागीचे हों हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो फूल और की खुशबू से महकती क्यारी यानी फूल और सब्जियों के लिए तैयार किए गए क्षेत्र हों छोटे छोटे खेत हों जो फसलों से दहक यानी लहलहा रहे हों हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों हो सकता है उसी खेत में कहीं चौपाए यानी चार पैर वाले जानवर शांत भाव से घूम रहे हों और उसी बगीचे में पक्षी भी झूम रहे हों तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना पेड़ों को मत कटने देना न चिड़ियों को रोना कवि बच्चों से यह विनती प्रार्थना करता है कि मनुष्य के स्वार्थी दुनिया में खोकर पेड़ पौधे को कटने नहीं देना और चिड़ियों का आश्रय यानी घोंसलों को तोड़कर उन्हें रोने नहीं देना एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं पेड़ पौधे को हमें कभी नहीं काटना चाहिए उसकी एक एक पत्ती को हमने बहुत मेहनत से उगाया होता है पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उन्हें जब हम लोग काटते हैं तो वे सजीव होते हैं उन्हें भी बहुत दुख होता है और वे छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पेड़ों के संग खेलना पेड़ों के संग संग इतराना पेड़ों के संग हिलना अगर आप पेड़ लगाते हो उसमें पानी देते हो तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे पेड़ भी बढ़ते हैं आप जो पेड़ लगाते हो उसके साथ खेलो खिलो संग संग इछलाना और पेड़ जिस तरह झूमते हैं वैसे झूमना सीखो इनके संग खुश होना सीखो कि हमें किस प्रकार फूल और फल लग रहे हैं बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं बच्चे और पेड़ जो हैं वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं अर्थात जहाँ बच्चे और पेड़ होते हैं वहाँ खुशहाली होती है हरियाली होती है लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वे इन्हें काट देते हैं तब उन्हें दुष्कर्मों का बुरे कर्मों का फल मिलता है और सभी को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं आज सभ्यता वैशी वन पेड़ों को काट रही है जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है आज मनुष्य जंगली बन गया है जो ऊंची-ऊंची इमारतों को बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है पेड़ों की कटाई के कारण जहरीली गैसें वातावरण में फैल रही है जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा रही हैं इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ये हमारी हवा को शुद्ध करते हैं वे सजीव होते हैं काटने पर उन्हें भी कष्ट होता है आप इस पाठ को पढ़ें समझें और नोट्स तैयार करें